हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.1। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज डू वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो और आई विल टेल यू। लेट्स सी डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स चेंज होना। अगर टू क्वांटिटीज में चेंज हो रहा है डायरेक्टली मीन्स इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन द अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर एक इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। सो उसमें देखिए, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं। अगर हम क्वांटिटी को लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए वेरीज डायरेक्टली विद बी। ए डायरेक्टली वेरी कर रहा है बी के साथ। द वैल्यू ऑफ ए इज 20 व्हेन बी इज 2.5। अब इसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। इसमें ए एंड बी टू वैल्यूज गिवन है। द वैल्यू ऑफ ए इज 20। अगर ए की वैल्यू 20 है देन बी इज 2.5, बी 2.5 है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे x ले लेती हूँ। ओके, व्हेन बी इज 4, तो b क्या है 4 है, तो ये टेबल हमारे पास बन गई। अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2। ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है। सो देखिए, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं ये x1 y1 क्या है। यहां पे देखिए, ये x1 y1, x2 y2, ऐसे ही x3 x4 y4, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसमें देखिए x1 y1, यहां पे आप नोट करेंगे As it is given that the given question is in direct proportion या फिर direct variation, so x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ x1 and y1। 20 by 2.5 इक्वल टू इसको x लीजिए या फिर x2 एज इट इज रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय 4। अब इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 के पास जाएगा। अब x2 को नहीं करना है, अगर x2 को यहां लेके आ जाओगे तो x2 की वैल्यू कैसे आएगी, तो आगे इसको ऐसे करेंगे 20 × 4 / 2.5। अब देखिए, 2.5 की हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 हो जाएगा, ये इक्वल टू x2, ये x2 की वैल्यू है। अब यहां से कट करेंगे, 5 2 5 5 5 4 4 4 16 16 2 32। वैल्यू ऑफ x2 इक्वल टू 32। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर्स हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर्स अंडर सिमिलर conditions। देखिए, 16 मीटर हाइट का एक पोल है जिसकी शेडो 12 मीटर है। मान लो ये एक पोल है, इसकी जो शेडो है, शेडो ये इस साइड में देखते हैं हम, ये इसकी शेडो है। एंड फाइंड द हाइट, एक ट्री है, मान लो एक ट्री है, उसकी शेडो आपको फाइंड आउट करनी है। अगर उसकी शेडो की हाइट गिवन है यहाँ कि अगर उसकी शेडो है वो 20 मीटर हो
इसमें ये क्या था 16 मीटर एंड 12 मीटर। अब देखिए इन दोनों कंडीशन में सेम केस बनेगा कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी इसकी शैडो भी इंक्रीज होगी, इसकी पोल की अगर हाइट इंक्रीज करते हो तो शैडो भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी लेंथ। तो ये किस में हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। ओके, पहले आपको ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है, तो वो आप ऐसे करके देखेंगे। और इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आपको पता चल जाए, ये आपको कॉमन सेंस से ही फाइंड आउट करना है कि अगर आप हाइट पोल की इंक्रीज करते हो तो शैडो की इंक्रीज होगी, ठीक है, तो वो किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो यहां पे आप लेट करेंगे, पहले जो फाइंड आउट करना है, लेट द हाइट ऑफ अ ट्री इक्वल टू y मीटर। इसके बाद हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, यहां पे आप नोट करिए हाइट एंड शैडो, एक हाइट है और दूसरी शैडो है, हाइट और शैडो ये किसमें है, मीटर में है, तो इन मीटर यहां पे नोट कर लेते हैं हम, इन मीटर। देन हाइट ऑफ पोल इसमें क्या है 16 मीटर, देन हाइट ऑफ शैडो इज 12 मीटर। हाइट ऑफ ट्री आपको फाइंड आउट करनी है y, एंड हाइट ऑफ शैडो इज 20 मीटर। ये टेबल आपके पास आ गई। टेबल बनाने के बाद अब इजी है क्वेश्चन, डायरेक्ट में है तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ओके, यहां पे करेंगे सिंस हाइट एंड शैडो, ये आपको नोट करना जरूरी है, हाइट एंड शैडो आर इन डायरेक्ट वेरिएशन सो यहां पे आप नोट करेंगे 16/12। अब डायरेक्ट यहां पे वैल्यू रख देंगे हम y बाय 20, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 16 × 20 डिवाइड बाय 12। इसको कैंसिल करेंगे, 4 × 4 = 4, 3 = आगे कटनी हो गई 24 = 80 डिवाइड बाय 3, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 26, 26 पॉइंट कितना आएगा, अब रिमाइंडर बच गया, ये 6 ऐसे जाएगा ये, ठीक है, मीटर। ये y इक्वल टू 26.66 मीटर। हो सकता है कि ये 7 भी कर दिया हो, क्योंकि मोर देन 5 है, 5 और मोर देन 5 होता है तो हम जो इससे पहले वाली यूनिट होती है डिजिट उसको इंक्रीज कर देते हैं, 26.67 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो 3:4। इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस इज 12 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस। अब इसमें देखिए ये रेशियो में गिवन है, मींस ये स्मॉलर पार्ट है, ये जो लॉन्गर पार्ट है वो है, तो इसके अंदर ये गिवन है कि अगर शॉर्टर पीस 12 cm है तो जो लॉन्गर पीस है वो क्या होगा। देखिए अगर एक स्मॉलर है तो दूसरा लॉन्गर होगा, एक स्मॉलर दूसरा लॉन्गर, तो ये डायरेक्टली वाला क्वेश्चन है। इसमें आप कैसे करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इक्वल टू y ले लेते हैं इसको, इक्वल टू y। अब यहां पे हम टेबल बनाएंगे, एक shorter piece and
लॉन्गर पीस। अब इसमें ये मत बोलना कि हमें कैसे पता कि इसमें कौन सा शॉर्टर है कौन सा लॉन्गर है। रेशियो में गिवन है, तो जो स्मॉलर वाला है वो 3 है और जो लॉन्गर है वो 4 है। ये आपको फाइंड आउट करना है लॉन्गर की लेंथ एंड स्मॉलर इज शॉर्टर 12 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आपको नोट करना है, सिंस द गिवन क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरीज डायरेक्टली, एक ही बात है। सो ये यहां पे क्या लेंगे हम, 3/4 इक्वल टू 12/y। अब इसको करना है सोल्व। इसको करने के लिए y को आप इधर लेके जाओगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 × y = 12 × 4। अभी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 12 × 4/3। 3 × 4 = 12, y इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट में आप ये यहां पर नोट भी करेंगे, सो द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 8 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 16 सेंटीमीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 36 मीटर्स, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप। अब मॉडल ऑफ शिप क्या, जैसे आप मॉडल नहीं बनाते हो प्रोजेक्ट के लिए, अगर कुछ काम देते हैं तो मॉडल बनाते हो, मीन्स जो शिप है उसका एक मॉडल बनाना, थर्माकोल से या किसी से भी आप बनाते हो जो, उसकी बात कर रहे हैं। द मास्ट इज 8 सेंटीमीटर हाई, ये मॉडल की बात हो रही है। और मास्ट क्या होता है, मास्ट होता है जो शिप के ऊपर आप देखते हो बना होता है, इसके ऊपर जो बना होता है ये इस टाइप से, ये इसको हम मास्ट बोलते हैं। ओके, इसकी बात कर रहे हैं, एक मॉडल है और एक एक्चुअल शिप है। आपको बताना है कि अगर मॉडल ऑफ मास्ट 8 सेंटीमीटर हाई है और एक्चुअल शिप का कितना है 16 मीटर, तो आप शिप के मॉडल का मास्ट की लेंथ बताइए। अगर सॉरी 36 मीटर्स लॉन्ग अगर लेंथ हो शिप की। ओके, तो इसमें कैसे करेंगे हम, अब देखिए मॉडल और शिप की बात करते हैं कि अगर मॉडल है, मॉडल की लेंथ इंक्रीज होगी अगर किसकी हुई तो शिप की, अगर शिप की लेंथ ज्यादा होगी तो मॉडल जो बनाओगे उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी। ये तो है नहीं कि शिप इतना बड़ा और उसका मॉडल आप बहुत छोटा बना दोगे। तो जो मास्ट है एक्चुअल में अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो जो मॉडल बनाओगे उसमें भी उसकी ज्यादा लोगे लेंथ, और अगर आप डिक्रीज करते हो तो डिक्रीज होगा। तो ये डायरेक्ट में है, इसमें पहले आप सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे पहले, लेट द लेंथ ऑफ जो आपसे पूछा गया है, द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब इसमें बनाएंगे, एक में लेना है आपको एक्चुअल, एक्चुअल शिप लेंथ लेंगे और दूसरा क्या है मॉडल, ये सेंटीमीटर में है। लेंथ है ये, ठीक है, तो ये कैसे है देखिए, मॉडल ऑफ अ शिप मास्ट इज 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर ये इधर आएगा, वाइल द एक्चुअल शिप 16 सेंटीमीटर। सेकंड में इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज, मींस ये गिवन है 36, आपको फाइंड आउट करनी है ये, तो ये हमने y ले लिया। इसके बाद अगर टेबल बन गई
उसके बाद तो ये इजी है क्वेश्चन। इसमें आप ये नोट करेंगे, सिंस द एक्चुअल शिप एंड मॉडल शिप लेंथ आर इन लेंथ वेरीज डायरेक्टली, अब यहां पे लगाइए 16/8 इक्वल टू 36/y, y को इधर ट्रांसपोज कर देंगे और 16 को या कर देंगे या फिर बाद में कर देंगे। 16 इंटू वाई इक्वल टू 36 इंटू 8। अब ये y इसके साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 36 इंटू 8 डिवाइड बाय 16। 8 वन जा 8, 2 जा 2 से कैंसिल किया 18, तो यहां पे क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। ये आप नोट जरूर करेंगे बेटा लास्ट में। सो द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू फीड अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 800 क्विंटल्स ऑफ वीट इज रिक्वायर्ड इन अ मंथ। द पॉपुलेशन आफ्टर 10 इयर्स बिकम्स 30,000, हाउ मच वीट विल बी रिक्वायर्ड इन अ मंथ। देखिए पॉपुलेशन कितनी है 20,000, वीट कितना रिक्वायर्ड है 800 क्विंटल, क्विंटल में 100 केजी होते हैं। 800 क्विंटल्स ऑफ वीट इज रिक्वायर्ड इन अ मंथ, एक महीने में 800 क्विंटल गेहूं चाहिए। उसके बाद है कि 10 साल के बाद पॉपुलेशन 30,000 होगी, तो आपको बताना है कि कितने वीट की जरूरत होगी एक मंथ में। अब देखिए आपको पहले ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट में है या फिर इनवर्स में है। 20,000 एंड 30,000 ये पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो खाना चाहिए होगा पॉपुलेशन को वो भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। ये तो है नहीं कि खाना सेम रखेंगे हम, तो खाना भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ लेट वीट रिक्वायर्ड इन अ मंथ इक्वल टू 1 क्विंटल, ये क्विंटल में लेते हैं हम क्योंकि ऊपर क्वेश्चन भी क्विंटल में गिवन है। टेबल फॉर्म करेंगे, यहां पे आपने लिया पॉपुलेशन एंड वीट रिक्वायर्ड, वीट रिक्वायर्ड किसमें है, क्विंटल में है। ये आपके पास क्या आएगी, पॉपुलेशन 20,000 एंड 30,000, 800 क्विंटल एंड ये वाई, ये हमने लेट किया है। यहां पे नोट करेंगे सिंस द वीट रिक्वायर्ड एंड पॉपुलेशन या फिर इतना भी कर सकते हैं, सिंस द वीट रिक्वायर्ड वेरीज डायरेक्टली देन वी विल यूज 20,000 डिवाइड बाय 800 इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू वाई इक्वल टू 30,000 इंटू 800। आगे इसको सोल्व करना इजी है, वाई इक्वल टू 30,000 इंटू 800 डिवाइड बाय 20,000,
जीरो टू जीरो कैंसिल, टू वन जा टू, फोर जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1200 क्विंटल। लास्ट में आप नोट कर देंगे सो द वीट रिक्वायर्ड इक्वल टू 1200 क्विंटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 10,000 yields an interest of rupees 5,000 in 5 years, how many interest would be a deposit of rupees 15,000 yield in the same time of in the same time। अब इसमें देखिए आपको प्रिंसिपल दिया 10,000 और इंटरेस्ट गिवन है 5,000 कि 10,000 का 5,000 5 years में इंटरेस्ट है आपको बताना सेम टाइम के लिए, यानी 5 years के लिए अगर 15,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया हो तो कितना इंटरेस्ट होगा। तो इसके लिए देखिए अगर ज्यादा पैसे आप डिपॉजिट करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली। सो यहां पे आप पहले नोट करेंगे लेट द इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 15,000 इक्वल टू वाई। यहां पे टेबल करेंगे हम प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इन रुपीज है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, ये भी किसमें रुपीज में है 5,000, जब 5,000 था तब ये कितने इंटरेस्ट मिला था, सॉरी ये 10,000 था, ये 10,000 था तो 5,000 इंटरेस्ट था। अगर 15,000 हो प्रिंसिपल तो आपको ये फाइंड आउट करना, ये हमने y लिया। उसके बाद आप यहां पे नोट करेंगे सिंस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वेरीज डायरेक्टली, टेन थाउजेंड डिवाइड बाय 5,000 इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 10,000 इंटू वाई इक्वल टू 15,000 इंटू 5,000। इसको आगे करेंगे y will be equal to 15,000 into 5,000 divided by 10,000, 0 to 0 cancel, 1 2 3 1 2 3 0, ये आपके पास क्या आ गया 15,575 रुपीज। लास्ट में आप नोट कर देंगे द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 15,000 इज रुपीज 7,500। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशु हैज इनफ मनी टू बाय 30 चेयर्स वर्थ रुपीज 150 ईच, हाउ मेनी चेयर्स विल ही एबल टू बाय इफ ईच चेयर नाउ कॉस्ट्स रुपीज 75 मोर। अंशु के पास इतने पैसे है कि वो 150 रुपीज में 30 चेयर्स परचेज कर सके, लेकिन आपको बताना है कि अगर चेयर की कॉस्ट ईच चेयर की कॉस्ट 75 रुपीज ज्यादा हो तो वो कितनी चेयर खरीद पाएगा। अभी वो 30 खरीद रहे तो उसके बाद अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसके बाद वो कितनी चेयर खरीद पाएगा। देखिए अगर 150 रुपीज में 30 चेयर आ रही है और हम अगर कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं ईच चेयर की, तो पैसे तो उसके पास फिक्स है, इतने पैसे में अगर चेयर की कॉस्ट इंक्रीज कर दी तो पैसे ज्यादा चाहिए होंगे। देखिए इसके लिए कितने पैसे चाहिए, 30 इंटू 150 दैट इज इक्वल टू
4,500 रुपीज। ओके, अब चेयर कितनी कर दी है, पहले 150 रुपीज की थी, अब कितने की कर दी, 150 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 225 प्लस 75 किया तो 225। अब 225 में एक चेयर आ रही है तो पैसे उसके पास फिक्स है, अब चेयर कम खरीदी जाएगी ना क्योंकि चेयर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अगर चेयर की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो कम चेयर खरीदी जाएगी, यानी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ चेयर्स डिक्रीज हो गई। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, द गिवन क्वेश्चन इज इन, जो हमने डायरेक्टली और वो इनवर्सली किया था, द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके, या वेरी इनवर्सली। तो ये इनवर्सली वेरी करेगा क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। मान लो 10 रुपए में आपको 5 पेन मिल रहे हैं, और अगर मैं बोलूं कि तो 2 रुपए का एक पेन हुआ, अगर मैं बोलूं कि आपको 5 रुपए में एक पेन खरीदना है तो 10 रुपए में कितने खरीदोगे, 2 पेन खरीदोगे ना, यानी कॉस्ट में अगर मैं ईच पेन की इंक्रीज करती हूँ तो नंबर ऑफ पेन डिक्रीज हो रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इनवर्सली के होते हैं। सो इसके लिए देखते हैं, टेबल बनाते हैं। इन क्वेश्चन में सिर्फ यही समझने वाला होता है, वो आपको अपने आप से ही समझ आएगा। ये चेयर्स है, नंबर ऑफ चेयर्स एंड ईच चेयर प्राइस है, ये रुपीज में है। ये पहले कितना था, 30 चेयर्स 150 रुपीज में ईच, अब कितना है, 75 मोर हो गया, तो यहां पे आप ऐड करेंगे प्लस 75, 170 प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 225, और ये आप एक्स या वाई जो भी आपको लेना है ये वाई ले लो। अब उसके बाद यहां पे नोट करेंगे, सिंस कॉस्ट एंड नंबर ऑफ चेयर्स वेरीज इनवर्सली, तो यहां पे आप नोट करेंगे। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, यहां पे आप कैसे लेंगे, 30 बाय 150, ये आपको एज इट इज नोट करना है जैसे पहले करते थे, सिर्फ जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें चेंज आएगा। कैसे, पहले आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप क्रॉस में नहीं करोगे, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर करोगे मल्टीप्लाई, ओके, ये इनवर्स में होता है तो ये ध्यान रखिएगा। 30 into 150 इक्वल टू y into 225। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y विल बी इक्वल टू 30 into 150 डिवाइड बाय 225, 15 वन जा, ये 15 जा 225 होता है, 15 2 जा 30, 2 into 10 दैट इज इक्वल टू 20 चेयर्स, लास्ट में आप नोट कर देंगे। सो द नंबर ऑफ चेयर्स परचेज्ड इफ कॉस्ट इज इंक्रीज्ड इक्वल टू 20। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।